दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार पहले इसे देखो। दोस्तों क्या आप भी इस टाइप की मोटिवेशनल रील्स बना के इनकम को जनरेट करना चाहते हो? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि किस टाइप से आप ऐसी मोटिवेशनल रील्स बना सकते हो और उसे आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करके कैसे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वो भी विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं क्रेडिबल अर्निंग। दोस्तों इस चैनल पर मैं ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मोटिवेशनल रील्स बनाने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी मोटिवेशनल कोर्स की, तो वो अपन लिखवाएंगे चैट जीपीटी की हेल्प से। दोस्तों आपको सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है, फिर आपके यहाँ पे इसको एक कमांड देनी है, जैसे कि राइट 5 मोटिवेशनल कोर्ट्स। आप यहाँ पे इसको कितना भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो राइट 1 मोटिवेशनल कोर्ट या कुछ भी बोल सकते हो। हिसाब से मैंने इसको बोल दिया राइट 5 मोटिवेशनल कोर्ट्स। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं एंटर प्रेस करूँगा तो दोस्तों ये अभी आपके लिए तुरंत यहाँ पे 5 मोटिवेशनल कोर्ट्स लिख देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसने मोटिवेशनल कोर्ट लिखना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब दोस्तों आपको जो भी पसंद आए आप यहाँ से ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारे मोटिवेशनल कोर्ट्स आ गए, जैसे कि अभी मुझे ये वाला काफी अच्छा लग रहा है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट योर एक्शंस। जैसे कि ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है कैनवा के ऊपर। दोस्तों कैनवा के ऊपर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सोशल मीडिया का एक ऑप्शन देखिएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आपको इधर राइट में इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम रील का, दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ जैसे इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है मोटिवेशन। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे मोटिवेशन सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएगी बनी बनाई, आपको जो भी पसंद है वो टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप जो मोटिवेशन कोर्स ले रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड ही बिल्कुल रेलेवेंट ही आपकी जो टेम्पलेट है वो होनी चाहिए। अभी जैसे कि मैंने ये वाला यहाँ पे लिया है कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, तो इस हिसाब से मुझे जैसे कि अभी यहाँ पे कौन सी टेम्पलेट है वो इसके ऊपर फिट बैठेगी, तो आपको वो देखना है। तो आपको अपने मोटिवेशनल कोड के हिसाब से एकदम अच्छे से टेम्पलेट लेनी। तो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन सी जो रील है वो अपने उस कोड के ऊपर अच्छे से बैठ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी मुझे उस कोड के हिसाब से ये वाली रील यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से ले लेता हूँ। दोस्तों ये लेने के बाद आपको जो यहाँ पे बीच में ये टेक्स्ट दिख रहा है, सिंपली अपन को ये वाला टेक्स्ट हटाना है और यहाँ पे जो अपन ने चैट जीपीटी से कोड कॉपी किया था वो सिंपली यहाँ पे अपन को करना है पेस्ट। मैं सिंपली इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे हो गया, तो अपन इसको सिंपली यहाँ से ये जो बाकी के टेक्स्ट थे इसको हटा देते हैं, अपना ये वाला टेक्स्ट लेके इसको अपन यहाँ से कर देंगे छोटा। दोस्तों एक सेकेंड, सिंपली मैंने इसको यहाँ से छोटा कर दिया। एक सेकेंड, आप इसको थोड़ा यहाँ से इस टाइप से कर सकते हो। अब दोस्तों देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा अपना यहाँ पे अच्छा लग रहा है टेक्स्ट। अब दोस्तों इसको आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई वर्ड है जो मेन है तो आप उसको यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप ये परफेक्ट है इसका कलर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, तो सिंपली आपको कलर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कलर अपने हिसाब से ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि अभी ये एक्शन है तो इसका भी मुझे कलर चेंज करना है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, फिर आपको यहाँ पे कलर चेंज कर देना है। दोस्तों इस टाइप से आपके जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको मैं एक बार इसको चला के बता देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो कि कितना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये यहाँ पे कोट लग रहा है। दोस्तों अगर आप ये इसको इंस्टाग्राम पे डाल दो और दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना है तो आपकी जो रील है वो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। दोस्तों देख सकते हो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के लिए सिंपली शेयर पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों सिंपली इसको आपको सिंपली ऐसे डाउनलोड पर क्लिक करना है, आपकी रील यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसी टाइप से आपके यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे देखिए टेबलेट्स मिल जाएगी। दोस्तों आप बिल्कुल अनलिमिटेड टेबलेट्स है, आपको सिर्फ यहाँ से टेबलेट उठानी है, चैट जीपीटी से मोटिवेशनल कोट लिखवाना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। दोस्तों 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के अंदर आपकी रील बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगी। दोस्तों आप दिन में से 2-3 रील बना सकते हो आराम से, और डेली की कम से कम 2-3 रील अपने इंस्टाग्राम पर डालो, अपना एक इंस्टाग्राम पर नया पेज बना लो मोटिवेशनल कॉन्टेंट से रिलेटेड और वहाँ पर डेली की ये रील्स अपलोड करो। आप गारंटी है 30 दिन के अंदर आपका जो चैनल है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। दोस्तों आज ही जाके अपना ये नया चैनल बना लो। दोस्तों एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई रील डालो तो उसमें आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना है। हाँ दोस्तों म्यूजिक एकदम ट्रेंडिंग होना चाहिए और मोटिवेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इसमें बॉलीवुड का सॉन्ग लगा दो,
जो म्यूजिक है वो एकदम मोटिवेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। आप जब भी इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पे सर्च कर लेना मोटिवेशन, आपके सामने बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, आप उनमें से ही कोई गाना यूज़ करना है। और दोस्तों ये जो रील आप बना रहे हो ये इंस्टाग्राम के साथ साथ आप और भी प्लेटफॉर्म में आप उन पर भी डाल सकते हो, जैसे कि मोज, हिपी, चिंगारी, आप इन पर भी इनको डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो कॉन्टेंट है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर जाएगा तो आप अलग अलग जगह से आपकी रीच आएगी और आप अच्छे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रील कैसे बनानी है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अर्निंग कैसे होगी। दोस्तों अर्निंग के वही कुछ मेन तरीके हैं जो कि मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अर्निंग आपका एक बार पेज है वो ग्रो हो जाए पर आपके सामने अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, जैसे कि आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, कोलेबोरेशन कर सकते हो, और आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, आप खुद का कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपनी ई बुक बेच सकते हो, बहुत से तरीके हैं। एक बार आपका आपको बस दोस्तों एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है ऑडियंस की। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अर्निंग कर सकते हो। तो पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने पे ध्यान दो। अगर आपकी ऑडियंस एक बार बिल्ड हो गई तो आप डेफिनेटली अर्निंग शुरू कर दोगे, क्योंकि अर्निंग का एक ही तरीका है, आपको बस ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पर मोटिवेशनल रील बनानी है और किस टाइप से यहाँ पर आपकी अर्निंग होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपसे मिली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही धमाकेदार ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।